और बात करते हैं दो लड़कों की जोड़ी की। 7 साल बाद यूपी में बता देते हैं, महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। ब्रजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या फिर आपराधिक बल, इसके अलावा 354A यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं, ये भी कोर्ट ने माना है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून 2023 को धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या फिर आपराधिक बल, 354A यौन उत्पीड़न और 354B यानी पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह को। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के मामले में अदालत को जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए, जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट फाइल की गई, उस चार्जशीट के मुताबिक ये माना गया अदालत के द्वारा कि जो आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, उन आरोपों के तहत मुकदमा बनता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह, और जैसा आप अभी बता रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ अदालत को पर्याप्त सबूत मिले हैं जिनके तहत अब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि जो मुकदमा चलाया जाएगा वो फिलहाल आईपीसी की धारा 354, 354A और 506 के तहत ये मुकदमा ब्रजभूषण शरण सिंह पर चलाया जाएगा। वहीं विनोद तोमर पर 506(1) के खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा चलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव से पहले है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर महिला के पहलवानों का जो ये पूरा मामला था, जिसकी वजह से हमेशा ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा में रहे, और अब अदालत ने भी ये माना कि जो सबूत दिल्ली पुलिस ने अभी तक दाखिल किए हैं उन सबूतों के आधार पर जो भी आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के तहत अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जाएगा। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए।